हेलो फ्रेंड्स, योगी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ केसर बादाम पिस्ता कुल्फी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, आधी कटोरी शक्कर, पिसी हुई इलायची, केसर के पीस और बादाम, पिस्ता, काजू। पिस्ता मैंने 15-20 पीस लिए हैं, बादाम मैंने 11 पीस लिया है, काजू 10 पीस लिया है। तो शुरू करते हैं कुल्फी बनाना। काजू बादाम पिस्ता को हम एक मिक्सी जार में पीस लेते हैं। इसे दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। काजू बादाम पिस्ता को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ऐसा ही पीसना है इसको। अब हम दूध को गैस की फ्लेम पे रखते हैं। दूध को हमने गैस की फ्लेम पे रख दिया है, हमने हाई फ्लेम रखा है। दूध को उबालने देते हैं, एक उबाल आने तक उसको उबालने देते हैं। हमारे दूध में उबाल आ गया है, एक उबाल आ गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं, चीनी को घुल जाने देते हैं। चीनी इसमें पूरी घुल जाए तब इसमें हम केसर बादाम पिस्ता और सब डाल देंगे सामान। दूध को थोड़ा हम और उबालेंगे, इसे स्लो फ्लेम पे ही अभी उबालना है। ये थोड़ा आधा हो जाए तब तक हम इसको उबालेंगे, इसके बाद इसमें थोड़े बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। दूध को हम लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो वो तले में लग जाएगा। इसको लगातार हिलाते रहना है जब तक ये आधा हो जाए तब तक। हमारा दूध थोड़ा उबल गया है, अब इसमें हम थोड़ी इलायची और केसर डाल देते हैं। इलायची और केसर थोड़ी डाल देते हैं, उसके साथ थोड़ा उबालना देते हैं। थोड़ी इलायची बाद में डालेंगे, इसमें अच्छे से केसर का कलर आ जाए, इसलिए थोड़ा पहले डाल देते हैं। दूध हमारा अच्छे से उबल गया है, इसका केसर का कलर बहुत बढ़िया आया है। अब इसमें हम पिसा हुआ काजू बादाम पिस्ता डाल देते हैं, इसको फिर अच्छे से मिला देते हैं। फिर इसको तब तक हिलाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब तक इसको हिलाते रहना है, तब तक इसको पकाना है। अब इसको पकने देते हैं थोड़ा, उसके बाद उसको लगातार हिलाते रहना है ताकि वो लग ना जाए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी में हमें ठंडा खाना पीने का बहुत मन करता है, तो आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है, घर पे सब चीज़ अवेलेबल होती है। दूध का पानी रिड्यूस होने में टाइम लग जाता है। अब हमारी कुल्फी बन ही रही है। कुल्फी को बनाने के लिए हमें आधा घंटा चाहिए, इसको उबालने में टाइम लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है, अब होने ही वाली है। हमारी केसर बादाम पिस्ता कुल्फी तैयार हो रही है, इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, अब इसे ग्लास में सेट कर देते हैं, फ्रिज होने के लिए रख देते हैं। आप इसे किसी भी प्रकार के बर्तन में सेट कर सकते हैं, ऐसे ग्लास में कर सकते हैं, कप में कर सकते हैं, या ऐसे ग्लास में भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ग्लास में सेट करने वाली हूँ, तो देखते हैं सेट करके। ग्रेवी को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद हम ऐसे ग्लास में इसको सेट कर लेंगे। कुल्फी की ग्रेवी ठंडी हो गई है, काजू बादाम पिस्ता की ग्रेवी ठंडी हो गई है। अब इसको मैं एक ग्लास में भर देती हूँ, इसको आधा तक भरेंगे हम इसको। इसे भर लिया है, अब इसको सिल्वर फॉइल से कवर करूँगी। दूसरा भी भर लेते हैं, आधा आधा ही भरेंगे। कुल्फी की ग्रेवी मैंने ग्लास में भर ली है, अब इसको सिल्वर फॉइल से ऐसे कवर कर दूंगी। इसके बाद इसे मैं 10-12 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूंगी। इसे ऐसे बीच में छेद करेंगे इसको, फिर एक ऐसी लकड़ी लगा देंगे। ये बाज़ार में आउटडोर मिलती है, मिल जाती है बाज़ार में। तीनों को कवर कर लिया है, अब डंडी लगा देती हूँ। ऐसी डंडी बाज़ार में आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब इसे फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देते हैं। आइसक्रीम को मैंने 12 घंटा फ्रीज़र में सेट कर लिया है, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको सर्व करते हैं, इसका कवर खोल देते हैं, इसे निकालते हैं, ऐसे कट कर देंगे इसको, ये अच्छे से निकल जाएगा। ऐसे ये अच्छे से हमारी कुल्फी निकल आई है।
ये कुल्फी हमारी एकदम बढ़िया बनी है, एकदम मस्त बनी है। आप भी बनाइए ज़रूर थी, आप भी बनाइए ज़रूर से इसे, और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे थोड़ा पिस्ता और केसर से सजा देते हैं। प्लीज़ आप भी घर पे बनाइए, इसको खाइए, दूसरों को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।